और घरेलू मार्केट की तर्ज पर अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी ब्लैक फ्राइडे का कहर देखने को मिला। शुक्रवार को डाउ जोन्स 2.5% की गिरावट के साथ 26,000 के स्तर के नीचे आ गया। इंडेक्स ने यह स्तर पहली बार 17 जनवरी को तोड़ा था। वहीं S&P इंडेक्स में भी 2% से ज्यादा की गिरावट रही है। नेस्डेक करीब 2% लुढ़का है और शुक्रवार की गिरावट के साथ अमेरिकी मार्केट के लिए यह हफ्ता 2 साल का सबसे बुरा हफ्ता साबित हुआ है। अमेरिकी मार्केट में गिरावट जॉब मार्केट की रिपोर्ट के बाद देखने को मिली है। जनवरी में लोगों के मिलने वाले वेतन में पिछले 8.5 साल